आज हम लोग सीखेंगे विंडोज 10 इंस्टॉलेशन। तो फर्स्ट थिंग हम इसे कर लेंगे शट डाउन। और मैंने ये पेन ड्राइव में विंडोज 10 ISO का बूटेबल बना लिया है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। वो सॉफ्टवेयर और ISO फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसे अपने कंप्यूटर पे लेके अपना ISO पेन ड्राइव बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग मैं ये पेन ड्राइव लगाऊंगा अपने CPU में या लैपटॉप में, उसके बाद कंप्यूटर करेंगे स्टार्ट और हम यहाँ प्रेस करेंगे F12, हमारे कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F12, कंटिन्यू प्रेस करते रहेंगे। F12 करने के बाद देखिए हमें BIOS सेटअप आ गया है। BIOS सेटअप पे हमारा पेन ड्राइव जो है ट्रांसेट का है और किसी का सेंडिस का हो सकता है या किसी का HP का हो सकता है, तो वो नाम दिखाएगा। तो हम चलते हैं हमारे BIOS सेटअप पे, यहाँ पे इंटर सेटअप, यहाँ पे जाएंगे हम ऊपर बूट। बूट में जाने के बाद यहाँ ये यह हमारा Acer का डेस्कटॉप है, Acer Lenovo जो है F12 से BIOS में जाता है, HP जो है F9 से जाता है। देखिए यहाँ विंडोज 8.x एंड 10 दिखा रहा है BIOS में बूट में जाके, तो मैं यहाँ इसे इंटर करके विंडोज 7 और अदर OS कर दूंगा और एग्जिट में जाके यहाँ पे सेव चेंज एंड एग्जिट कर दूंगा। अब हम फिर से F12 प्रेस करेंगे कंटिन्यूअस। देखिए इधर हमें हमारा पेन ड्राइव का नाम दिखा दिया है ट्रांसेट, 8 GB का मेरा पेन ड्राइव है। हम पेन ड्राइव पे जाएंगे, वहां पे इंटर कर देंगे। देखिए ये होने लगा बूट। ये विंडोज लोड हो रहा है, देखिए फर्स्ट स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज सिलेक्ट करने बोल रहा है, टाइम एंड करंट फॉर्मेट और कीबोर्ड एंड इनपुट, तो हमें यहाँ सिलेक्ट कर लेना है इंडिया। इंग्लिश इंडिया, ये आ गया हमारा इंग्लिश इंडिया, हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड बाय डिफॉल्ट इंग्लिश इंडिया हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है, यहाँ इंस्टॉल नाउ कर देना है। दो मिनट का टाइम लेगा, ये आ गया है लाइसेंस, जो विंडोज का लाइसेंस है उसका टर्म्स एंड कंडीशन हमें यहाँ एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट बोलना है। यहाँ पे अपग्रेड करना है कि इंस्टॉल करना है, तो हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ये हमारा सारा पार्टीशन दिखा रहा है जो भी इसमें है, मैं इसे सब कर दूंगा डिलीट। हमारा 1 TB का हार्ड ड्राइव है, देखिए दिखा रहा है, से न्यू पार्टीशन कर दूंगा, न्यू पार्टीशन अप्लाई ओके। मैं यहाँ पे दूसरा पार्टीशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जब विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा तो उस समय मैं वहाँ पे जाके दूसरा पार्टीशन या तीसरा पार्टीशन दे दूंगा। अभी मैं इसे फर्स्ट प्राइमरी पार्टीशन जो भी है ना दे के यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे 10 मिनट लेगा ये, तब तक हम वेट करते हैं। देखिए अभी 0 पे ही है, अभी देखिए स्टार्ट हो गया है प्रोसेस, इसका भी 1% हो गया है। अब ये थोड़ा फास्ट होगा, यहाँ से थोड़ा हम वेट कर लेते हैं।
ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, हम यहाँ से रिस्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग सर्विसेस, गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी पे थोड़ा टाइम लेगा तो थोड़ा वेट करेंगे हम। फिर से एक बार रिस्टार्ट होगा और फिर हमारा सेटअप कंप्लीट होगा। देखिए जस्ट अ मोमेंट आ गया है, यहाँ पे भी थोड़ा ये टाइम लेगा। देखिए अभी हमारा बेसिक सेटअप आ चुका है। यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है, हमारा कंट्री। सेकंड हमें यहाँ पे कीबोर्ड का लैंग्वेज सेटिंग करना है, हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करेंगे, यस बोल देंगे। अगर सेकेंडरी हमें कोई कीबोर्ड का अगर लैंग्वेज बनाना है तो इसके लिए पूछ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। यहाँ पे हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए बोल रहा है, अगर हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके अपडेट्स जो भी हैं ये अपडेट्स ऑटोमेटिक अपडेट्स ले लेगा। यहाँ पे हम आई डोंट हैव इंटरनेट कर देंगे। यहाँ पे वे हम कंटिन्यू कर देंगे। ये होने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे रिस्टार्ट होगा। देखिए रिस्टार्ट हो गया। देखिए फिर से उस वहीं पे आ गए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए बोल रहा है, आई डोंट हैव इंटरनेट कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब ये हमें हमारे कंप्यूटर का पीसी का नाम पूछ रहा है, कंप्यूटर एसर का है तो मैं इसे एसर नाम दे दूंगा। नेक्स्ट अभी ये पासवर्ड पूछ रहा है, अगर आपको कुछ पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन मैं पासवर्ड नहीं रखूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। अभी यहाँ इसके सिक्योरिटी प्राइवेसी जो भी है उसके बारे में बोल रहा है, अगर कुछ आपको ऑन ऑफ करना है कर दें, हम एज इट इज वैसे ही रख के इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सर्विसेज के बारे में यहाँ पूछ रहा है, ये भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी ये लास्ट हमारा सेटअप कंप्लीट होने जा रहा है। देखिए अभी यहाँ पे एक दो मिनट ये टाइम लेगा। ऑलमोस्ट देयर, ये हमारा सेटअप कंप्लीट हुआ। अभी हमें यहाँ पे डेस्कटॉप के आइकॉन जो भी है बाय डिफॉल्ट जो आते हैं वो नहीं दिखा रहा, शो कर रहा है ओनली रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकॉन दिखा रहा है। तो हमें बाकी के आइकॉन लाने के लिए राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है,
यहाँ पे थीम्स में जाना है और राइट साइड में देखेंगे डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखिए अनचेक है, सबको चेक मार्क कर देना है, अप्लाई ओके कर देंगे। देखिए सारे आइकॉन्स आ चुके हैं, दिस पीसी नेटवर्क रिसाइकल बैंक कंट्रोल पैनल और हमारे पीसी का नाम एसर। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये पेन ड्राइव शो हो रहा है, पेन ड्राइव को हम रिमूव कर देंगे और सी ड्राइव देखिए हमारा 930 जीबी का दिखा रहा है, हम इसे डी ड्राइव में एक और पार्टीशन डी ड्राइव का क्रिएट कर लेंगे। तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाना है, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। देखिए हमारा सी ड्राइव दिखा रहा है 930 जीबी का, इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम करेंगे और मैं इसे दे देता हूँ 400 जीबी का, तो 4041 करता हूँ। देखिए 409 जीबी का ये बन गया, अनलोकेटेड है, इसे हम न्यू सिंपल वॉल्यूम दे देंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट डी ड्राइव कंप्लीट हो गया हमारा सेटअप।